हाँ, ये तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि BTS का जो ओल्ड हेडक्वार्टर है वो बिक गया है और इसे खरीदा एक एक्टर ने। तो जो ये एक्टर है वो है किम वू बिन। और आपने इनके बहुत सारे के ड्रामास देख रखे होंगे पहले से, और बहुत सारे तो आप में से इनके फ़ैन भी होंगे क्योंकि इनके के ड्रामा बहुत हिट होते हैं। और इन्होंने पूरा 83 करोड़ इंडियन रुपीज़ में देकर वो हेडक्वार्टर को खरीदा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये बिगेट्स के बच्चे ने उस बिल्डिंग को बेचा क्यों, है ना? इसके हालांकि मैंने बहुत ढूंढा, पर इसके पीछे का रीज़न मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने इस बिल्डिंग को क्यों बेचा। मे बी जस्ट बिकॉज हो सकता है उनके पास नई बिल्डिंग है, पुराने का वो क्या ही करते, इसीलिए उन्होंने बेच दिया। वो लोग तो बिजनेस मैन है तो ऑफकोर्स बिजनेस ही सोचेंगे, लेकिन उनके इस चक्कर में पूरा बेड़ा गर्क हो गया है BTS और आर्मी का। क्योंकि देखो, वो बिल्डिंग जो है वो काफ़ी काफ़ी पुरानी नहीं, BTS के लिए बहुत वैल्यू रखती है, और जो लोग BTS से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बहुत वैल्यू करती है। तुम समझ रहे हो, आप कहीं पे रहे हो, आपने अपना बचपन जिया है, आपने बहुत अपनी स्ट्रगल डेज वहाँ पर देखे हैं, आपने बहुत मस्ती करी है वहाँ पे, और उसकी हर एक चीज़ से आपको लगाव है, और उसे अचानक भेज दिया जाए, आपसे दूर कर दिया जाए, तो आपको कैसा फील होगा? बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा है आर्मी को भी, और मे भी BTS को भी हो रहा हो। लेकिन वो लोग तो अलाउड नहीं है कि पब्लिक में आके कुछ भी बोले, उन लोग पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है, और ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो कंपनी ही लगाती है। उन्हें भी कहीं ना कहीं बुरा लग रहा होगा कि उनकी जो पुरानी बिल्डिंग है वो हेडक्वार्टर है वो उनसे दूर हो गई। अभी देखो, आर्मी ना एक आर्मी ने मिलके पहले तो गुस्सा किया इस बात को लेकर कि आखिर बिल्डिंग बेची क्यों। उसके बाद फिर अपना सैडनेस भी रिवील किया कि बहुत सैड है, वो बिल्डिंग बिक गई है, बहुत वैल्यू रखती थी वो बिल्डिंग। अभी आर्मी ने क्या किया है कि उन्होंने जो एक्टर है किम वू बिन, उनसे एक रिक्वेस्ट करी है। उन्होंने कहा है कि प्लीज़ आपको जो करना है करो, लेकिन वहाँ पर जो हैंड रिटेन मेमोरीज है, जो हिस्ट्री है, उसे प्लीज़ डिलीट मत करना। मैंने भी बहुत सारे पिक्चर्स देखे हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें देखने को मिला है कि पूरे बिल्डिंग पर लिखा हो पड़ा पड़ा है, और ये सारे आर्मीज ने लिखा है, BTS के लिए मैसेज है, और पूरी की पूरी बिल्डिंग पे आई थिंक कोई एक वॉल है, या पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे जहाँ तक दिख रहा है तो वो एक पूरा वॉल है जिस वॉल पे पूरा लिखा हुआ है। और आर्मीज़ की ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसे इरेज मत करना, उसे डिलीट, उसे क्लीन मत करवाना। देखो, जनरली कोई भी अपनी नई बिल्डिंग खरीदेगा तो उसे अपने अकॉर्डिंग तो रेनोवेट करेगा ही ना, इसीलिए तो लोग खरीदते हैं ताकि उसे अपने तरीके से ढाल सके। और अब एक्टर पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा क्योंकि आर्मी भी है, वो कभी कभी आर्मी समझती नहीं है चीज़ों को, भावनाओं में ज़्यादा बह जाती है। तो ऐसा हो कि अगर वो जो एक्टर है वो रेनोवेट करा ले, उसे क्लीन करवा दे वॉल को, तो आर्मी तो उन्हें भर भर के गाली देगी ही। लेकिन खैर, सबसे बुरा इस बात का लग रहा है कि बिगेट्स ने उस बिल्डिंग को बेचा क्यों, क्या ज़रूरत पड़ गई थी? तुम खुद सोचो कि बिगेट्स इतनी बड़ी कंपनी है, और BTS की वजह से उनका इतना बड़ा नाम हुआ है, वो जाने गए तो इतना तो वो कर सकते थे कि एक बिल्डिंग BTS के नाम पे खरीद के रख देते, लाइक अ मेमोरी, ऐसा भी तो हो सकता था ना। बट नहीं, इन्हें तो पैसे छापने, और इन्होंने बिल्डिंग को बेच दिया।